ऑलराइट हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है सारविंद और मैं PEC 6 के रिजल्ट आज अनाउंस करूंगा एंड PEC 6 के विनर हैं। सो ऑलराइट, आप सबका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सारविंद और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं फ़ोटो मैनिपुलेशंस क्रिएट करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अराउंड 25,000 फॉलोअर्स हैं मेरे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको PNG या किसी भी प्रीसेट के लिंक चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ लाइक अराउंड 6,000 लोग हो गए हैं अब शायद, सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं एंड फ्री में सारी चीज़ें पा सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको फ्री में। सो स्टार्ट करते हैं PEC 6 के रिज़ल्ट के साथ। सो सबसे पहले यहाँ पे जो हैं हमारे, सबसे पहले हैं इट्स दानिश और इनकी इमेज बहुत ही अच्छी लगी मुझे। लाइक मूडी टाइप है और बहुत ही अच्छी एडिट कर रखी है आपने। और इसके अंदर जो मुझे सबसे वेरी गुड पार्ट लगा वो है आपका आई ईयर का ग्लो, बहुत ही टॉप टू दी नॉच था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये मार्क इफेक्ट, यार मैं भी यूज़ करता हूँ तो ये मार्क इफेक्ट बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट है आदि निशाने। सो इनका कंसेप्ट है जंगल वाला और ब्रो ये बहुत ही ऑसम कंसेप्ट लगा मुझे, क्योंकि इसमें आपने बहुत ही डिटेल में वर्क कर रखा है। आपने हेयर की कटिंग बहुत अच्छे से कर रखी है, थोड़ी बहुत फ्रिंजिंग है लेकिन यार बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये वाली कटिंग। और हर चीज़ अच्छी है और मैचिंग भी बहुत ही अच्छी है आपकी इमेज की। और जो बटरफ्लाइज आपने डाल रखे हैं यार बहुत टू गुड है यार। सो यार मुझे पसंद आई आपकी इमेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अमन राज। नेक्स्ट है इनकी भाई, मैंने क्यों सेलेक्ट करी फ़ोटो, क्योंकि इन्होंने आफ्टर एंड बिफोर भेज रखा था मुझे। सो आफ्टर एंड बिफोर में इन्होंने ये पहला बिफोर दिखा रखा है और फिर जो आफ्टर था यार बिल्कुल सेक एडिट, यार आपने बहुत अच्छी एडिट कर रखी है। लाइक फेस पे आपने ओवर वो जो स्मूथनिंग होती है वो बिल्कुल सही कर रखी है, बिल्कुल मतलब लाइक ऐसे नहीं है कि कहीं ओवर सी भाग रही हो या अलग लग रही हो, भाई सूट कर रही है उस चीज़ को। सो हैट्स ऑफ है यार, आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है इस फोटो के अंदर। सो मुझे बहुत ही पसंद आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेनीवाल 01। ब्रो आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, साईफाई वाला है ये बिल्कुल। लाइक PS फ्लोट में भी आप पार्ट ले सकते हैं, वहाँ आपके फ़ोटोशॉप पे चांस बढ़ जाएंगे शायद फीचर होने के, या आप फीचर हो रखे हो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन यार आपका आर्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे और आपने जिस तरीके से कटिंग और रिम ड्रॉ कर रखे हैं ब्रो, नेक्स्ट लेवल भाई, दिल को लग गई ये वाली फ़ोटो। फिर नेक्स्ट आते हैं भरत कुमार के सारी। ब्रो आपने इस बार जो रिम लाइट का वर्क करा है यार टॉप टू दी नॉच कर रखा है और मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। और जो हेयर में आपने डिटेल्ड में वर्क कर रखा है यार, अगर मैं दिखा सकूँ सबको तो आप यहाँ भी देख सकते हैं भाई, बिल्कुल डिटेल्ड वर्क है यार और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आपने फेस स्मूथनिंग पे भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। सो यार टू गुड यार, और कीप इट अप दिस, और अपनी इमेज भी लाओ ब्रो, वो भी अच्छा लगेगा मुझे देख के। सो नेक्स्ट आते हैं भाटिया गेमिंग। इन्होंने कंसेप्ट बहुत ही प्यारा क्रिएट कर रखा है, लाइक विजय मार से इंस्पायर्ड वाला कंसेप्ट है। लेकिन यार आपने बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड को यूज़ कर रखा है और अपनी फ़ोटो यार आपने बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रखी है। सो मुझे बहुत पसंद आई, पर्सनली बेस्ट लगी मुझे। नेक्स्ट बढ़ते हैं Bruce Sharma 2। ब्रो आपने जो ये कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है बिल्कुल एपिक, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। सच में मैंने अभी तक ऐसा कंसेप्ट अपने इंस्टाग्राम फीड पे नहीं देख रखा है। लाइक रिंग्स है और रिंग्स के बीच में हैंगिंग, और लाइक भाई ये कंसेप्ट मैंने देखा ही नहीं है। सो फर्स्ट एट ए टाइम मैं देख रहा था, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला कंसेप्ट देख के। एंड यार बिल्कुल श्योर कीप इट अप, इस चीज़ को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रखें आप हमेशा, और थोड़ा सा रिंग में भी ग्लो डाल दीजिए उससे, और अप टू द मार्क नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज़ कैटलिन बैलन 10। सो दिस इज़ द एंट्री फ्रॉम आउटसाइड। सो आई एम गोइंग टू टेल दैट यू हैव डन अ मार्वेलस जॉब इन जस्ट क्रिएटिंग द रिम लाइट्स अराउंड द फैदर एंड जस्ट अ चेन लाइट विच इज़ वेरी परफेक्ट एंड ब्लेंडेड वेल विद द इमेजेस एंड द मून बिहाइंड इट जस्ट क्रिएट अ ड्रामेटिक सीन लाइक ऑफ नाइट लाइफ, लाइक सम वुल्फ आर शाउटिंग लाइक दिस।
सो आई लव दिस सीन एंड यू क्रिएटेड अ गुड मूड इन दिस इमेज. सो माई इंग्लिश इज टू पुअर, सो जस्ट सो आई ओवरऑल जस्ट लव्ड योर इमेज. यू क्रिएटेड अ वेरी ऑसम आर्ट. नेक्स्ट है सी एस क्रिएटिव आर्ट्स. ब्रो आपने जो बैकग्राउंड के साथ वर्क कर रखा है भाई, माइंड ब्लोइंग यार. मुझे मेरी फ़ोटो की याद आ गई जो मैंने 2 या 3 दिन पहले पोस्ट कर रखी थी. कुछ ऐसे ही मोड टोन में थी और इतनी वाइब्रेंट टोन ब्रो मेरे को बहुत सही लगी. और जो आपने ग्रेफिटी का वर्क कर रखा है वॉल के ऊपर यार, वो भी नेक्स्ट लेवल है. सो कीप इट अप यार, ये बहुत ही अच्छा है. और नेक्स्ट है देवराज शर्मा 10. ब्रो आपने ये वाला डार्क सोल वाला कंसेप्ट बिल्कुल एपिक क्रिएट कर रखा है. मैंने जस्ट ऐसा अपना वो वाला करा था जब उसमें रिंग पीछे क्रिएट करा था, आईज से टीयर्स ड्रॉप होते हुए. ब्रो आपने ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ले गए हो इस आर्ट को जो मैंने देखा यार. और PC6 में तो सबका लेवल नेक्स्ट जा रहा है इस बार. 5-4 में थोड़ा लो था, 5 में थोड़ा हाइप हुआ, 6 में तो यार और ज़्यादा हाइप हो गया है. सो अगर आप इसमें सेलेक्टेड हैं तो अराउंड आपने 700 से 1000 लोगों को बीट कर रखा है इस कॉन्टेस्ट में. सो कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सबके लिए. और यहाँ तक टॉप 40 तक आपने मेंटेन करके पहुँचे हो. सो यार ये बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए. और ब्रो आपकी इमेज यार नेक्स्ट लेवल, सैल्यूट है इस इमेज को यार. आपने बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखा है और शेडोज़ जो अच्छे से बैलेंस करके आपने क्रिएट कर रखे है यार, बेस्ट लगी. अगर मैं इसमें आपको कुछ ऐड और बताऊंगा तो कुछ एनिमल या क्रिएचर्स ज़रूर ऐड करो, वो भी आपके लिए बहुत अटेंशन ड्राइंग चीज़ होंगी, वो भी अच्छी लगेगी आप पे. एंड ध्रुव चौहान प्रो डुअल कंसेप्ट परफेक्ट. हमेशा पसंद आता है मुझे डुअल कंसेप्ट जो होते हैं. और आप उस पर मेहनत भी करो तो यार मुझे और अच्छा लगता है. आपने यहाँ क्रिएट कर रखा गन के साथ, सो परफेक्ट ब्लेंडेड हिटमैन यार, हिटमैन. और कोई कमी नहीं लगी यार मुझे इस इमेज में, जस्ट परफेक्ट. सर PC6 इस बार बहुत ही टफ होने वाला है. मेरे को जजिंग में नहीं समझ में आ रहा कि फाइनल इमेज जो विनिंग करेगी वो होगी कौन सी. सो देखते हैं किसका साथ देता है भगवान. कमेंट भी कर दो अगर किसी को अब भी लग रहा हो कि उसने मेरा लास्ट पार्ट नहीं देखा हो, अभी का पार्ट देखा हो, या इंस्टाग्राम की पोस्ट देख के यहाँ ना आया हो, तो ज़रूर बताइए अगर आपको कौन सी इमेज परफेक्ट लगती है. और हाँ, अगर किसी ने कॉपीराइट कर रखा है या कॉपी डाल रखा है तो ज़रूर कमेंट में बताना मुझे, मैं उसे स्ट्रेट अवे PC से ब्लॉक कर दूंगा और उसकी कभी भी एंट्रीज एक्सेप्ट नहीं होंगी. फिर नेक्स्ट आते हैं दीदार क्रिएशन. ब्रो आपकी फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर रखी है यार, आपने बहुत अच्छा क्रिएट कर रखा है. जो हैंड में से ग्लो निकल रहा है यार, वो रियलिज्म है बहुत ही अच्छे वाला. और जो मून है पीछे से यार, टेक्स अवे माय हार्ट. बिल्कुल क्लीन एडिट यार. आपने जो ग्लिच इफेक्ट RGB स्पेक्ट्रम वाला होता है वो भी बहुत माइन्यूट यूज़ कर रखा है, लेकिन भाई परफेक्ट यूज़ कर दिया यार. अच्छा लगा मुझे देख के कि कोई RGB स्प्लिट में भी इंटरेस्टेड है. पहले कोई नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं. नेक्स्ट है एक एडिटर ब्रो गणपति बाबा मौर्या. ये आपने बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रखा है. और एक एसेंस होता है वहाँ की फील्ड का कि इधर से भी गुलाल आ रहा है और इधर से भी आ रहा है. और उसमें जो पेटल्स आपने ऐड कर रखे हैं, पेटल्स हैं क्या है, पेटल्स ही लग रहे हैं मुझे, फ्लावर पेटल्स हैं. सो परफेक्ट ब्लेंडेड लग रही है यार. और एक एसेंस और अच्छा सा क्रिएट लग रहा है मुझे. सो परफेक्ट लगी मुझे ये इमेज. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ. सो HK वर्ल्ड एडिट वर्ल्ड्स ब्रो आपने बहुत ही अच्छी कर रखी है, कैलेंस की तरफ कर रखी है आपने, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल लगी मुझे. और जो आपने एक रेनबो डाल रखा है बीच में अपने आर्म्स पे, वो यार बहुत टचिंग है और परफेक्ट लगा मुझे. नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं इरफान भूटा. ब्रो आपने जो रिम क्रिएट्स कर रखे हैं अपने हेयर के अराउंड पे और अपने हैंड के अराउंड पे, वो थोड़ा बहुत ही परफेक्ट लगी मुझे. तो नेक्स्ट लेवल यार, काय गुड काय लगी काय. और जो स्टारबक का मग रखा है यार, वो थोड़ा ऑड है, उसकी कटिंग थोड़ी सही से कर देते तो आप यार ये और ही अच्छी लगती मुझे इमेज. सो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट यार एडिट ब्रो सिक एडिट सिक फाड़ दी.
हर चीज लाइक एडिट के कंपटीशन में। और यहाँ पे जो आपने AKM मैगजीन, M4, P92, M416, M4A जो भी यूज़ कर रखी है यहाँ पे, परफेक्ट लग रही है मुझे। और मैंने इसका आफ्टर एंड बिफोर भी देखा था, शायद आपने पोस्ट कर रखा था, और ये बहुत ही अमेजिंग क्रिएशन है ब्रो, वन ऑफ द योर बेस्ट क्रिएशन लगी मुझे ये वाली, और एडिट बहुत ही अच्छी है आपकी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मंजू एडिटोग्राफी, इन्होंने साइबर पंक का कंसेप्ट कर रखा है ब्रो। साइबर पंक आपने बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रिएट कर रखा है। मेरे को अच्छा लगा कि आप रिम लाइट पे भी वर्क कर रहे हो, और लाइक आपने बहुत ध्यान दिया है वो जो लाइंस पास हो रही है उस पे भी आपने रिम लाइट ड्रॉ कर रखी है। सो देख के मुझे अच्छा लगता है कि यार हर कोई रिम लाइट पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है MFK गेमिंग ब्रो, आपने ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ रखी है, और जो ग्रेन्स का आपने यूज़ कर रखा है यार एपिक। ग्रेन्स का अभी तक यूज़ किसी ने करा नहीं था PC के ऑल ओवर कंपटीशन में, लाइक एक दो बंदों ने कर रखा है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से और एक कंट्रोल्ड में होता है उसमें आपने यूज़ कर रखा है। सो मुझे पर्सनली दी बेस्ट लगी ये वाली। और जो आपने फ्लेयर पीछे डाल रखी है वो यार लाइक टॉप ऑफ दी चेरी है इस फोटो की, जो मुझे बहुत ही परफेक्ट लगी। सो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है आपकी, ग्रेट, कीप इट अप। लाइक नेक्स्ट है मिहिर गोधानी ब्रो, आपने बहुत ही लाइक सिंपल वे में बहुत अच्छे से एडिट कर रखी है, लाइक बिल्कुल फ्लैट अच्छे से मैच है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, और कहीं कमी नहीं लगी मुझे मैचिंग में। आपने बहुत अच्छे से, आप थोड़ा स्किन रिटचिंग को देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स, उससे आपको स्किन परफेक्ट करने में और मदद मिलेगी, और आपकी इमेज और नेक्स्ट लेवल जाएगी ब्रो। नेक्स्ट आते हैं एम्प्टी एडिट्स ब्रो 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 ब्रो, दिस कंसेप्ट इज सिक, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के वाला। और आईज में जो आपने ग्लू क्रिएट कर रखा है, और दोनों में पैंथर में भी क्रिएट कर रखा है यार, परफेक्ट लगा मुझे। बस एक शेडो मिसिंग है थोड़ा पैर के नीचे, चलता है इतना, लेकिन अगर उसे भी परफेक्ट कर दोगे तो यार माइंड ब्लोइंग, मेरे को बहुत अच्छी लगी है एडिट। नेक्स्ट बढ़ते हैं राजेश एडिट ब्रो ने एडिट लाइक वेक्टर एडिट कर रखी है, और ये किरण किरण ब्रो की है, और भाई फोटोशॉप जंक्शन को चलाते हैं। अगर आपको फोटोशॉप जंक्शन में आना है तो यार भाई से बात करें, आप ज़रूर आ जाएंगे। और जहाँ तक एडिट की बात है, राजेश एडिट्स ब्रो आपने बहुत ही ऑसम वर्क कर रखा है, लाइक टोन्स बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर रखे हैं आपने, फेस पे कटिंग बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रखी है। लाइक मुझे इतना वेक्टर का नहीं है आइडिया, लेकिन मैंने जितनी भी वेक्टर ऑल ओवर द इंस्टाग्राम देखी हैं बेस्ट लगी है मुझे, बहुत अच्छी डिटेल्ड वर्क है इसके अंदर। सो डिटेल्ड वर्क मुझे हमेशा पसंद आता है, हैट्स ऑफ यार। रवि कामलिया 77 ब्रो, आपने रिम लाइट बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रखी है, आफ्टर एंड बिफोर भी देखे थे मैंने इस इमेज की, और आपने यहाँ बहुत अच्छे नोज के पास ड्रॉ कर रखे जो मुझे बढ़िया लगी, और थोड़ी सिगरेट में थोड़ी सी फ्लेम यार रियल और डाल देते तो मुझे और अच्छा लगता, थोड़ा सा बस रियलिज्म की कमी है, लेकिन इमेज टॉप ऑफ द बेंच मार्क है यार, मुझे अच्छी लगी देख के। नेक्स्ट है रिपोर्ट अच्छी मिलेगी ब्रो, आपकी रिपोर्ट अच्छी ही है, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि यार आपने एक ऐसा कंसेप्ट कर रखा है, लाइक डुअल वे में ऊपर भी है नीचे भी है, और उसे बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड कर रखा है इमेज के अंदर। सो यार एपिक, और जो चिड़िया बैठी हुई है आपके बांसुरी के ऊपर यार नेक्स्ट लेवल, ऐसी थिंकिंग कहाँ से लाते हो। नेक्स्ट है भाई का ये एक और कंसेप्ट है नेपोटिज्म वाला, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा ब्रो, आपने खुद से इंस्पायर्ड होके कुछ अच्छा क्रिएट कर रखा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार कि आप ऐसे ऐसे आर्टवर्क लाते हो मेरे PC6 में यार, परफेक्ट है, परफेक्ट नेपोटिज्म दिखाने के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं भी हो सकता। रिट्स बॉय ब्रो, आपका कंसेप्ट मुझे ये वाला बहुत ही प्यारा लगा, जो आपने लाइक टेंटिकल से अपने पैर पकड़ रखे हैं यार, अगर आप सब देख सकते हैं इंस्टाग्राम वीडियो में अच्छे से, तो बहुत ही परफेक्ट ब्लेंड लगी है यार मुझे। हैंड्स के ऊपर आप देख सकते हैं कैसे लिपटे हुए हैं वो टेंटिकल्स यार, रियलिज्म रियलिज्म ब्रो, परफेक्ट है आपकी इमेज। नेक्स्ट आते हैं RS एडिटर 0 भाई, इनसेन एडिट यार आपकी, आप पिक्सआर्ट में वर्क करते हो, और आप लाइक
मैंने देखा कि बहुत लोग पिक्सआर्ट में वर्क कर रहे हैं और मेरे को ईमेल करते हैं, तो यार पिक्सआर्ट में से भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, चाहे आप फोटोशॉप हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप पिक्सआर्ट में बढ़िया करते हैं आप फोटोशॉप में भी अच्छा करेंगे, अगर आप फोटोशॉप में करते हैं तो आप पिक्सआर्ट में भी अच्छा करेंगे। सो भाई ने बहुत अच्छे से एडिट कर रखे, लाइक डिस्ट्रक्शन टाइप का कंसेप्ट दिखा रखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक मूड है येलो कलर का। नेक्स्ट आते हैं साई चरण गोड। ब्रो आपने बहुत ही अच्छे से वो स्पायरल लाइट्स क्रिएट कर रखी हैं और रिम आपने ड्रॉ करने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। थोड़ा और हार्ड वर्क करोगे आप इस पे तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और ये इमेज यार टॉप ऑफ द नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं शाहिद कलसीतो। ब्रो आपने ब्लेंड बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखा है और जो आपकी कलर टोनिंग है, मैचिंग है, वो बहुत ही परफेक्ट लगी मुझे इस इमेज में देख के। और जो आपने ये लाइक लीव्स डाल रखे हैं, ये तो परफेक्ट काई, दादा काई, बिल्कुल ओपी है, ओपी। और थोड़ा सा बस रोज़ कमी रहेगी, लेकिन इतना नहीं है नोटिसेबल, वो मैं देख सकता हूँ बस लैपटॉप पे। इंस्टाग्राम पोस्टिंग पे कोई इतना नोटिस नहीं कर पाएगा। उसके बाद शायराज शेख। ब्रो आपने कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है इसमें, मेरे को आपकी स्किन की रिटचिंग यार बहुत ही अच्छी लगी, शाइनी रिटच है और परफेक्ट लगी मुझे जैसे आपने यहाँ अच्छे से क्रिएट कर रखी है। सो यार मस्त, परफेक्ट परफेक्ट स्किन कर रखी है आपने। एस के एडिट्स ऑफिशियल। ब्रो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है, मैंने नोटिस करी आपकी इमेज, लाइक PC 1 में भी थी आपकी इमेजेस शायद, और PC 6 में। ब्रो आपने लाइक अपने ग्राफ को बिल्कुल टॉप ऑफ द चार्ट्स ले गए हो और आपने बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रखा है, मेरे को दिखता है यार इमेज के अंदर। और हर किसी की जब भी आती है ईमेल मैं ज़रूर चेक करता हूँ और रिव्यू करके बताता हूँ कि आपने कितना इम्प्रूव करा है। सो आपने यार बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है, नन अदर्स मेम्बर्स की तरह, लाइक बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो और कंटिन्यू करते रहो, होपफुल आप जरूर अच्छे से और अच्छे एडिटर बनोगे। सुखदिमान ब्रो को तो मैं जानता हूँ, मस्त ब्रो, HRX की जैकेट कहाँ से मिली ये बता देना। और ब्रो आपका पबजी का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और शायद रिप ना हो पबजी, कह रहे हैं कि रूमर्स हैं वापस आ जाएगी, अब पता नहीं मुझे कि आएगी या नहीं आएगी। वैसे मैं थोड़ी बहुत खेलता हूँ, इतनी नहीं खेलता, और लाइक ड्रॉप आपने बहुत अच्छे से कर रखी है और उस पर जो लाइट्स आ रही हैं परफेक्ट मुझे अच्छी लगी। बग्गी पे भी आपने जो शेडो क्रिएशंस क्रिएट कर रखे हैं वो भी बहुत रियलिज्म है यार, मेरे को बढ़िया लगी। और जो आपने लेंस फ्लेयर यूज़ कर रखी है वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करते ले जा रही है इमेज को, सो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे इस इमेज के अंदर। और बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा डीप नोटिस करता हूँ हर फोटो को जल्दी जल्दी जाके, सो इस बार मैं ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं हर चीज़ को एलिब्रेट कर रहा हूँ कि यार हर किसी को पता चले कि मैं क्या क्या चीज़ नोटिस करता हूँ हर पिक के अंदर। सो आपकी इमेज के थ्रू भी मैंने बताया कि लेंस फ्लेयर से भी अच्छी ब्लेंडिंग क्रिएट होती है। सो ब्रो आपकी बहुत ही अच्छी लगी मुझे इमेज। नेक्स्ट आते हैं सुमन एडिटोग्राफी। ब्रो आपने यार बहुत ही अच्छा लाइक माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है यार, क्या बोलूँ, सैल्यूट है इस कंसेप्ट को तो। ब्रो आप पिक्सआर्ट में क्रिएट करते हो? हाँ पिक्सआर्ट में ऐसी थिंकिंग रखने वाले को फोटोशॉप में जाना चाहिए जल्दी से, और फोटोशॉप में बहुत अच्छा आपको एरिया और स्पेस मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। सो यार अपनी क्रिएटिविटी को और निकालो यार, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है सनी स्पार्टन। ब्रो आपने तो बहुत अच्छा यूज़ कर रखा है पर्सपेक्टिव का, लाइक डाउन टू आपने क्लिक कर रखी है और BG आपने बहुत ही अच्छा यूज़ कर रखा है, और लाइक जो ब्लर होता है वो भी बहुत अच्छे से दे रखा है, सो बढ़िया लगी। और जो लाइटनिंग आ रही है ऊपर से टॉप ऑफ द, वो यार रिम लाइट के अकॉर्डिंग है वो लाइट, सो यही चाहिए होता है रिम लाइट को क्रिएट करने के लिए। सो यार हैट्स ऑफ, आपने बहुत अच्छा वर्क कर रखा है।
नेक्स्ट है तरुण पुष्पड़ फोटोग्राफर ब्रो का कंसेप्ट देखते हैं। ब्रो आपने बहुत अच्छे से लाइटनिंग क्रिएट कर रखी है, लाइक आपके लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, बहुत नोटिसिबल लाइट होती है जो लेफ्ट हैंड साइड से आती है। और आप सब भी नोटिस करें, जब भी आपका ब्राइटेस्ट पार्ट होना चाहिए वो आपके लेफ्ट से हो सकता है, लाइक सेंटर ऑफ फोकस सेंटर में नहीं होता, लाइक मोस्टली केसेस में लेफ्ट हैंड साइड से लोग फ़ोटो को नोटिस करते हैं। सो लाइक अजम्पशन टाइप होती है कि अगर आपका वहाँ बढ़िया पार्ट होगा तो वो पूरी होल इमेज को देखेंगे, लाइक मेंटलिटी टाइप की है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसे, सो उस पे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और आपकी फ़ोटो प्रो के क्या बहुत ही अच्छी थी ये वाली, परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं तेजा क्रिएशन ब्रो, पिक्सार्ट में वर्क करते हैं और पिक्सार्ट में इनसेन वर्क करते हो आप, बहुत ही अच्छे से आपने क्रिएट कर रखा है। थोड़े ब्लड ड्रिप्स फेक से लग रहे हैं लेकिन यार पिक्सार्ट में इतना आपने क्रिएट करा वो भी बहुत है यार। और पीसी में पार्ट लेने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और आपने इतना अच्छा आर्ट क्रिएट कर रखा है पिक्सार्ट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दिस इज़ गणेश ब्रो, आपने बहुत ही अच्छे से अपना फेस वाला ये क्रिएट कर रखा है, लाइक इसे कहेंगे खंडर टाइप जो बिल्डिंग्स होती हैं उन पे होता है ये वॉल्स, लाइक एरोडेड वॉल्स। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और कुछ यूनिक क्रिएट करा है, सो यूनिकनेस बहुत अप्रिशिएट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं तीर्थ कालरिया ब्रो, आपने वाइपर के साथ बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लाइक ऐसा कंसेप्ट अभी तक तो नहीं आया है कहीं भी पूरे PC6 में, सो ये बेस्ट ऑफ दी वन है और बहुत ही अच्छी लगी मुझे। थोड़ा फेस रीटचिंग पे भी काम करें, आई होप आप करोगे और बहुत अच्छी एडिट करोगे। और नेक्स्ट है विकी सेज ब्रो 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 दिस इज़ ऑसम ब्रो, आपने बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रखा है और रिम लाइट यार पूरी टॉप 100 out of 100 है इस टाइम रिम लाइट के लिए, और परफेक्ट लगी मुझे। आपने जो गन के ऊपर भी एक छोटी सी रिम लाइट क्रिएट कर रखी है यहाँ पे ये मजल के पास ब्रो, परफेक्ट लगी है ये वाली रिम लाइट। और बस क्या बोलूँ अब, बिल्कुल A1 फोटो एडिट कर रखे ब्रो आपने इस बार, लाइक आपका लेवल यार नेक्स्ट लेवल ही चला गया। अब नेक्स्ट आते विघ्नेश एडिटर ब्रो, आपने हिटमैन टाइप का कंसेप्ट विलनिज्म ब्रो, विलन के तरह लग रहे हो, थोड़े कट मार्क्स डेंट मार्क्स ये भी रखते तो और अच्छे से विलन, लेकिन ये एस्थेटिक विलन है और प्रॉपर सूट वूट में है तो परफेक्ट लग रहा है। और लाइक जो गन है साइड वाली वो थोड़ी नकली सी लग रही है बस ये वाली गन, तो थोड़ा सा कुछ और यूज़ करते हाई PNG या कुछ और हाई बैकग्राउंड यूज़ करते तो यार ये टॉप ऑफ दी चार्ट रहती है आपकी इमेज में और बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो आप थोड़ा और इंक्रीज़ करो लेवल को, आपका बहुत डे बाय डे बहुत अच्छा जा रहा है, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप हसलिंग ब्रो। विनी जाइलो ब्रो, आपने बहुत अच्छा ब्लेंड कर रखा है फोरग्राउंड बैकग्राउंड, और लाइक आपकी ब्लेंडिंग बहुत अल्ट्रा स्मूथ लाइक बटर होती है, बिल्कुल स्मूथ नहीं जो मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से आपने क्रिएट कर रखा है। सो यार 100 out of 100 है इस चीज़ के लिए और परफेक्ट एडिट। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट भी नहीं है और लीस्ट भी नहीं है, विजुअल ऑफ सोम ब्रो, आपने बहुत ही प्यारा कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लाइक इसमें जो आपने वर्क कर रखा है फेस के ऊपर और जो हॉर्न्स डेविल टाइप वाले क्रिएट कर रखे हैं यार परफेक्ट, लाइक एक लड़की को लड़की के ही लुक में रखा और उसे डेविल टाइप की भी फील दी है, सो यार परफेक्ट लग रही है मुझे बेस्ट। तो यार यहाँ रैप करता हूँ मैं अपने PC6 को, और जितने भी बंदों ने पार्ट लिया यार थैंक यू आप सब ने मेरे PC कंपटीशन को, ऑल ओवर जितने भी पार्ट हुए हैं सबको इतना बहुत ज़्यादा प्यार दिया यार। और बहुत अदर क्रिएटर्स भी हैं यार कॉपी कर रहे हैं, अब सब कंपटीशन रोल आउट कर रहे हैं कि भाई हम भी कर रहे हैं, हम भी फ़ोटो बना रहे हैं यार, लाइक कर लो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी होती है वो वाली चीज़ नहीं रह जाती है फिर, लेकिन जो भी हो खैर वो बात की बातें हैं, लोग PC में सपोर्ट करते हैं तो PC में भी करेंगे।
सो होप आपका डे गुड रहे, और शेयर करो जो भी आपका दोस्त है, जो भी पिक्सआर्ट है या चाहे फोटोशॉप है, वो इसमें पार्ट ले और फेम मिले यार। फेम के लिए ही तो आते हैं हम सब, और यहाँ मैं फेम और लाइक आपको गाइडिंग टिप्स भी दूंगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक यू।